नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप पेपर वाइज और टॉपिक वाइज एडिटोरियल के आर्टिकल्स की वीडियोस को देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाके। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन कोर्सेज के बारे में। आप video.onlyis.in पर जाके, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ये सारे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो। पॉलिटिकल साइंस कोर्स, करंट अफेयर टेस्ट सीरीज, मेंस बूस्टर प्रोग्राम। और अगर आपको कोई डाउट हो इन कोर्सेज से संबंधित तो आप अपना डाउट सेंड कर सकते हो onlyissales@gmail.com पर। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल पाकिस्तान से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। मामला है क्या पूरा? पाकिस्तान में एक क्रिश्चियन महिला आसिया बीबी, 2009 में इनका 3 मुस्लिम महिलाओं के साथ विवाद हो गया। तेज धूप में ये काम कर रही थी, वहां पर एक कुएं पर गिलास रखा था और उस गिलास से इन्होंने पानी पिया। लेकिन 3 मुस्लिम महिलाओं का कहना था, आप इस ग्लास से पानी नहीं पी सकते, आप क्रिश्चियन हो, आप ईसाई हो। विवाद बढ़ गया। बाद में उन 3 मुस्लिम महिलाओं ने केस दर्ज करवाया आसिया बीबी के अगेंस्ट पुलिस स्टेशन में, ब्लास्फेमी का। ब्लास्फेमी मतलब इस निंदा। 3 मुस्लिम महिलाओं का आरोप था, आसिया बीबी ने प्रोफेट मोहम्मद की तुलना की ईसा मसीह से। पाकिस्तान में वहाँ पर एक धारा है, धारा 295 सेक्शन सी। अगर कोई पर्सन प्रोफेट मोहम्मद की निंदा करता है, इस निंदा करता है, तो उसको फांसी की सज़ा दी जा सकती है। तो यही हुआ आसिया बीबी के साथ। उनको 2010 में ट्रायल कोर्ट के द्वारा फांसी की सज़ा सुनाई गई। उस समय भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी और ये इशू एक इंटरनेशनल इशू बन गया था। उस समय जो पोप थे उन्होंने भी पाकिस्तान सरकार को कहा था कि आसिया बीबी को आप रिहा कीजिए, इनको जो सज़ा सुनाई गई है कोर्ट के द्वारा ये गलत है, क्रिश्चियन माइनॉरिटीज़ का ऑपरेशन हो रहा है पाकिस्तान में। उस समय पाकिस्तान के एक प्रोविंस के गवर्नर थे, वो जाके मिले थे आसिया बीबी से जेल में, उनकी भी हत्या कर दी गई। हार्ड लाइनर्स का कहना था आसिया बीबी से वो गवर्नर जाके क्यों मिले। उसके बाद एक मिनिस्टर थे जिन्होंने कहा ब्लास्फेमी से संबंधित जो लॉज हैं इनमें बदलाव होना चाहिए। उस मिनिस्टर की भी हत्या कर दी गई हार्ड लाइनर्स के द्वारा। 2014 में पाकिस्तान की एक हाईकोर्ट ने 2010 के इस जजमेंट को सही ठहराया और कहा आसिया बीबी पे जो आरोप हैं वो सही हैं, इसलिए उनको फांसी दी जाए। इसके बाद मामला पहुंचा पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फांसी पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जब तक पूरे मामले की सुनवाई नहीं हो जाती है तब तक फांसी ना दी जाए आसिया बीबी को। और अभी फ़िलहाल कंटेक्स्ट ये है, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने कहा है आसिया बीबी निर्दोष हैं, इनको तुरंत रिहा कर दिया जाए। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का ये वर्डिक्ट आया है पाकिस्तान में प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए हैं बहुत बड़े लेवल पर। वहाँ पर जो हार्ड लाइनर्स हैं उनका कहना है सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला इस्लाम के अगेंस्ट है। तो पाकिस्तान में जो प्रमुख सड़कें हैं उन सड़कों पर अब जाम लगा हुआ है। बड़े लेवल पर प्रोटेस्टर्स डटे हुए हैं कि इस फैसले को वापस लिया जाए और आसिया बीबी को फांसी की सज़ा सुनाई जाए। यहाँ पे देखो, आप एक बात पे ध्यान दीजिएगा, आपको लगता है कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने अपने विवेक से ये फैसला लिया है? नहीं, इसके पीछे भी राजनीति है। राजनीति मैं आपको बताता हूँ। यूरोपियन यूनियन ने पाकिस्तान को साफ तौर पर धमकी दे दी थी कि अगर आप आसिया बीबी को रिहा नहीं करते हो तो हमसे ये एक्सपेक्ट मत कीजिए, हम हमारी मार्केट को ओपन करेंगे पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान की इकोनॉमी आपको पता है अभी टेंट्रम्स में है, यानी इकोनॉमिक सिचुएशन पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो एक प्रकार से डील हुई है, आप ये कह सकते हो। समझ गए ना? मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट लिबरल है, बहुत ज़्यादा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को तवज्जो देने वाली है जैसे इंडिया की सुप्रीम कोर्ट है। नहीं, एक प्रकार से डील साइन हुई है, यूरोपियन यूनियन अपनी मार्केट्स को ओपन करेगा पाकिस्तान के लिए अगर आसिया बीबी को छोड़ा जाता है। तो मजबूरी में आके सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला लिया है। और अभी जो लोग हैं हार्डलाइनर जो सड़कों पर हैं पाकिस्तान की और विरोध कर रहे हैं पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के फैसले का, उनका यह कहना है पाकिस्तान की आर्मी का समर्थन हासिल है इस फैसले को। वो अब पाकिस्तान की आर्मी को गाली निकाल रहे हैं, वो उन जजेस को जिन्होंने ये फैसला दिया है उन पर छीटाकसी कर रहे हैं, उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं, इवन पाकिस्तान की सरकार पर भी आरोप लगाए जा रहे हैं।
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने हाल ही में एक वीडियो जारी किया। उन्होंने रिक्वेस्ट की प्रोटेस्टर्स से, हार्डलाइनर्स से, कि इस्लाम के शरिया कानून के तहत ही ये फैसला लिया गया है और जो लोग विरोध कर रहे हैं वो सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, उनका इस्लाम से कुछ लेना देना नहीं है। राइटर कहते हैं, इमरान खान खुद तो चुनाव प्रचार के दौरान बड़ी बड़ी बातें करते थे, उन्होंने ही इस आग को भड़काने में कम योगदान नहीं निभाया है। वो कहा करते थे, प्रोफेट मोहम्मद के खिलाफ जो बोलेगा मैं उसको फांसी दिलवाऊंगा और इस्लाम के दुश्मनों को सजा दिलवाई जाएगी, वो खुद ही इस प्रकार की बातें करते थे। अब उनको ये सिचुएशन फेस करनी पड़ रही है, यानी पाकिस्तान के समाज में जहर बहुत ज़्यादा घुल चुका है और उस जहर को अब कम करना आसान काम नहीं है। तो ये पूरा आर्टिकल था पाकिस्तान से संबंधित। दो और बातें भी हैं, वैसे उतनी इम्पोर्टेंट नहीं हैं। आर्टिकल में ये भी कहा जाता है, जिया उल हक के समय अमेंडमेंट लाया गया था धारा 295 में, और उस समय ये प्रोविज़न किया गया था ब्लास्फेमी के लिए किसी पर्सन को फांसी की सज़ा भी हो सकती है। एक बात ये भी बोली जाती है कि ब्लास्फेमी से संबंधित ये जो कानून है बहुत ज़्यादा मिसयूज़ होता है इसका पाकिस्तान में, मुस्लिम माइनॉरिटीज़ फॉर एग्जांपल सिया या फिर अहमदी कम्युनिटी के लोगों के अगेंस्ट, और दूसरी कम्युनिटी के जो माइनॉरिटीज़ हैं फॉर एग्जांपल हिंदू या फिर क्रिश्चियन, उनके खिलाफ भी काफ़ी ज़्यादा मिसयूज़ होता है ब्लास्फेमी से संबंधित लॉ का। वैसे तो देखो ब्लास्फेमी से संबंधित जो लॉ है काफ़ी सारे देशों में है, लेकिन सबसे ज़्यादा केसेस पाकिस्तान से ही सामने आते हैं। जैसे इंडिया में आरोप लगते रहते हैं, कुछ लोग कहते हैं एससी और एसटी कानून का मिसयूज़ किया जाता है कुछ लोगों के द्वारा बदला लेने के लिए, उसी प्रकार से ब्लास्फेमी से संबंधित जो कानून है इसका मिसयूज़ करते हैं कुछ लोग बदला लेने के लिए, इसे हटा देना चाहिए, राइटर कहते हैं। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।